हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मार्को X7 में। तो आज से हम एक न्यू मानवा कवर करने वाले हैं जिसका नाम है कल्टीवेशन अगेंस्ट द हीरो सोसाइटी। तो गाइस, इस वाली सीरीज में हमें चाइनीज कल्टीवेशंस के साथ हमें हीरोज वर्ल्ड को भी दिखाया जाता है। गाइस, इस वाली सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना होगा, आपको अपने फोन का ऑटो रोटेट मोड ऑफ करके अपने फोन को हॉरिजॉन्टली ना पकड़ के वर्टिकली फोन को पकड़ना होगा, क्योंकि इस वाली मानवा में मैं फुल पैनल्स को यूज करूंगा जिससे आप इस मानवा के फुल पैनल्स को एक साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वाली मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग एक कल्टीवेटर को दिखाते हुए होती है जो कि हवा में कुछ तलवारों की मदद से उड़ रहा होता है। तो इसी बात का लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए कुछ रिपोर्टर बोल रहे होते हैं, अभी से 2 घंटे पहले आसमान में एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया गया है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वो कुछ तलवारों की मदद से हवा में उड़ रहा है, और इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अभी अभी हेल से निकली हुई कोई आत्मा हो, और इसने पिछले 2 घंटों के अंदर अंदर ही हमारे 26 हीरोज को हरा दिया है। ये न्यूज सुनने के बाद नॉर्मल सिविलियंस का कुछ अजीब रिएक्शन होता है, वो आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, जब से हीरोज दिखना स्टार्ट हुए हैं तब से हमें ऐसा कोई भी चीज दोबारा दिखाई नहीं दी है। वो बोल रहे होते हैं, हमें तो इस मिस्टीरियस से आदमी को तो शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से ही हम इतना अमेजिंग सा शो देख पा रहे हैं। नॉर्मल लोग तो इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह ले रहे होते हैं। दूसरे पैनल में ए रैंक हीरो प्लास्टिक मैन को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग से जंप मारने के बाद अपने सूट को पहन लेता है एकदम आयरन मैन के स्टाइल में। इसके बाद हमारा ए रैंक हीरो चल पड़ता है कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए। प्लास्टिक मैन को आते हुए देख न्यूज रिपोर्टर बोलता है, अब ए रैंक हीरो प्लास्टिक मैन आया फाइट करने के लिए। न्यूज रिपोर्टर बोल रहा होता है, हमें उम्मीद है प्लास्टिक मैन इस अजीब से आदमी के ऊपर ज्यादा हार्ड ना जाएगा, वो इसके ऊपर अपनी 50% पावर से भी अटैक करे तब भी प्लास्टिक मैन इस आदमी से आसानी से जीत जाएगा। कल्टीवेटर प्लास्टिक मैन से बोलता है, मैं टियानजियान सेक्ट से बिलोंग करता हूँ जो कि जुआन कॉन्टिनेंट में पड़ता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कौन सी दुनिया है और इस जगह का नाम क्या है। प्लास्टिक मैन उस आदमी की बातों के ऊपर ध्यान न दे अपने आर्मर की पावर को इंक्रीज कर रहा होता है, और प्लास्टिक मैन को इस तरह का पावर अप करते हुए देख और न्यूज रिपोर्टर बोलता है, ये प्लास्टिक मैन का सिग्नेचर मूव है, अगर प्लास्टिक मैन इस मूव को यूज करते हुए जमीन के ऊपर मुक्का मारे तो वो 300 मीटर तक का गहरा खड्डा क्रिएट कर सकता है और इस अटैक से बच पाना नामुमकिन होता है। और कल्टीवेटर ज्यादा ध्यान न देते हुए कल्टीवेटर सीरियस होके बोलता है, इंसान क्या तुम्हें ह्यूमन लैंग्वेज आती है। प्लास्टिक मैन बोलता है, जो फाइट के बीच में ज्यादा बोलता है वो उसकी हार तभी निश्चित हो जाती है। प्लास्टिक मैन कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, इतने में कल्टीवेटर प्लास्टिक मैन के मुंह के ऊपर एक चांटा मार देता है और बोलते है, तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। कल्टीवेटर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन पूछने की ट्राई कर रहा हूँ, ना कि किसी को मारना चाहता हूँ। और ये सीन देख के रिपोर्टर की तो हालत ही खराब हो गई होती है। न्यूज रिपोर्टर अपने होश संभालते हुए बोलता है, ये आदमी अभी तक का पाया गया सबसे ज्यादा ताकतवर विलन है। कैमरामैन न्यूज रिपोर्टर को चुप कराते हुए बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, वो देखो अब कौन सा हीरो आया है। गाइस, आपको ये हीरो जाना पहचाना लग रहा है, प्लीज इसका नाम अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, इसका नाम क्या होगा। न्यूज रिपोर्टर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे एस रैंक हीरो माचो मैन की एंट्री हो चुकी है। माचो मैन जो कि एक एस रैंक हीरो है जो किसी भी फाइट में बहुत ही आसानी से कभी भी पार्ट नहीं लेता, जो कि बहुत लंबे टाइम से देखा भी नहीं गया है, वो इस कल्टीवेटर के साथ फाइट करने के लिए आया है। कल्टीवेटर इस न्यू हीरो को देख के मुंह बनाते हुए बोलता है, एक और आ गया। माचो मैन बोलता है, जब भी मैं फाइट करता हूँ मैं अपने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूँ, और मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बकवास की बातें ना करते हुए तुम्हें सीधा बता दूं, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और साथ में तुम मुझे इस डायमेंशन के भी नहीं लग रहे हो, और इसलिए मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, तुम मेरे एक पेट बन जाओ, और अभी तक तुमने जो भी मुसीबत खड़ी की है मैं तुम्हें उन सभी से भी बचा लूंगा। और न्यूज रिपोर्टर बात सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके बोलता है, तो गाइस आपने ये बात सुनी, माचो मैन चाहते हैं ये मॉन्स्टर उनका एक पेट बन जाए। अगर इस आदमी ने माचो मैन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो माचो मैन का लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कल्टीवेटर इस बात का अलग ही मतलब निकालते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। माचो मैन अपना मर्डरस ओरा रिलीज करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ आदमी हो। और इसी के साथ वो कल्टीवेटर के ऊपर एक पंच मारने के लिए जाता है। कल्टीवेटर उसके पंच को बहुत ही आसानी से डोज करते हुए माचो मैन के पेट के ऊपर एक पंच रख देता है, और एक ही पंच खाने के बाद माचो मैन की तो हालत ही खराब हो जाती है।
और उसी पंच के इम्पैक्ट से मांचो मैन जाके उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मांचो मैन दूर जाके एक बिल्डिंग के अंदर गिर और साथ में वो हार भी जाते हैं। कल्टीवेटर सोच रहा होता है कि इस दुनिया के इंसान बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और इसी के साथ कल्टीवेटर भी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ बताया जाता है। आज से कई सौ साल पहले ये धरती अंधेरे में थी। इस धरती पे एकदम से मॉन्स्टर्स दिखना स्टार्ट हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े और विशाल हुआ करते थे और इन मॉन्स्टर्स को दिखने के साथ ही इन मॉन्स्टर्स ने धरती के ऊपर अपना आतंक फैलाना स्टार्ट कर दिया। पर इन मॉन्स्टर्स का भी ये आतंक ज्यादा टाइम तक नहीं चला जब तक कि हीरो दिखना स्टार्ट नहीं हुए। और जब से हीरोज दिखना स्टार्ट हुए उन्होंने इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की और दोबारा से इस दुनिया में शांति लाए और हीरोज ने कुछ टाइम के बाद इन्हीं मॉन्स्टर्स को अपना पेट बना लिया। और बस यही थी इस वर्ल्ड की अजीबोगरीब कहानी। और अभी के जो हीरोज हैं वो अपनी हीरो लाइफ के साथ साथ अपने डेली रूटीन और अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं। फिर हमें हमारे मेन हीरो को दिखाया जाता जो कि एक पहाड़ के ऊपर बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। वहाँ भी हमें उसका नाम रिवील होता है, उसका नाम यान शैन है और उसकी रियल उम्र 2603 ईयर्स है और साथ में वो कल्टीवेटर है यूएन कॉन्टिनेंट का। हमें उसके पास एक ड्रैगन को भी दिखाया जाता है। यान शैन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इस दुनिया में आए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और मुझे अभी तक इस वर्ल्ड के बारे में जितना भी पता लगा है उसके हिसाब से मैं इस वक्त जिस प्लेनेट में हूँ जिसका नाम अर्थ है और वो एक ब्लू स्फीयर की शेप में है। भले ही ये बर्ड बहुत ही ज़्यादा छोटा है पर इस बर्ड की पॉपुलेशन मेरे कॉन्टिनेंट से 10 टाइम ज़्यादा है। जब मैं स्टार्टिंग में इस वर्ल्ड में आया था तब मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान था। इस दुनिया के लोग उड़ने के लिए किसी भी स्पोर्ट का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही किसी तरह की स्पेशल पावर का, वो यूज़ करते हैं कुछ अजीब से टूल्स का। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के लोग ट्रैवल करने के लिए ज़्यादातर कार्स और एरोप्लेन्स का यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ की अजीब बात तो ये है यहाँ की लड़कियाँ अपने पूरे कपड़े भी नहीं पहनती हैं। पर भगवान का शुक्र है इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है जिस वजह से मुझे यहाँ पे सरवाइव करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है उस लड़की को उसकी फ्रेंड हील कर रही होती है। वो बोलती है लगभग मैंने तुम्हारे शरीर से निकलने वाले खून को रोक लिया है पर तुम्हें हील करने के लिए अभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें थोड़ी देर के बाद के सीन को दिखाया जाता है वो लड़की दूसरी लड़की को थैंक यू बोल रही होती है पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलने कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों भले ही क्लासमेट ना हो पर हम दोनों एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो गाइस मैं ये वाला एपिसोड इतने रख रहा हूँ, मैं इसकी लेंथ ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको ये वाली सीरीज कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ मैं इस वाली सीरीज को कंटिन्यू करूँ। अगर आपको ये सीरीज पसंद नहीं आई है तो भी मुझे बता देना कि मैं नेक्स्ट सीरीज कौन सी एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे बता सकते। अगर आप इस सीरीज में अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो मैं इस वाली सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो चलो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना।